हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल एकेडमी, अ हेल्पिंग हैंड इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज आप देख रहे होंगे अल्फाबेट का चार्ट लगा हुआ है, तो दिमाग में चल रहा होगा कि यार क्या है, क्या लगा हुआ है, क्या होने वाला है। अब तक तो सारी 10th की ग्रामर कंप्लीट हो गई, 12th की ग्रामर स्टार्ट हो चुकी है, वो भी खत्म हो जाएगी, TGT के वीडियोज इस चैनल पे मिलते हैं, ये क्या आ गया। सो डेफिनेटली आई टॉक टू मेनी पीपल एंड आई केम टू नो कि मुझे पता चला कि कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि यार हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट टू मेक दिस चैनल सच अ प्लेटफॉर्म कि कोई भी आए उसे कुछ ना कुछ जरूर मिले। सो डियर, मैंने डिसाइड किया है कि कुछ वीडियोज मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए, लाइक जो PG में है, लाइक KG में है, या फिर यू कैन से LKG UKG, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ मिले, क्योंकि छोटे बच्चे मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं। उन्हें कुछ मत दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, दे विल एंगेज देमसेल्फ्स इन मोबाइल इटसेल्फ। सो आई थॉट कि क्यों ना उसमें कुछ दिया जाए। तो आज ये सेशन जो होगा यहाँ पर वो मैं नहीं लूंगा, कोई और लेने वाला है, तो वो कौन है। सो बस टाइम आ गया है, शी विल इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एंड शी विल स्टार्ट दिस लेसन। सो प्लीज, यस। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एंजल। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है, सो लेट्स स्टार्टेड। बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और लाइक जरूर करिएगा और शेयर प्लीज करिएगा। तो चलिए पहले A to Z जर्नी करते हैं। चलिए A से ट्रेन स्टार्ट करते हैं और Z पे रुक जाएगा ये। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। A से Z तक तो जर्नी खत्म हो गई। अब हम लोग अल्फाबेट और उसके वर्ड्स जानते हैं। अल्फाबेट से क्या क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। A फॉर एप्पल। एप्पल तो आप सबने जरूर खाया होगा, और एप्पल मतलब होता है सेब, वो तो मैंने भी खाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। बी फॉर बॉल। बॉल्स हम क्या करते हैं, खेलते हैं, मैंने भी खेला है और आपने भी खेला होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी से कार। कार में आप सब बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, देखा होगा आपने, मैं भी देखी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। डी फॉर डॉग। डॉग को तो आप सबने देखा होगा, मैंने भी देखा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ई फॉर एलिफेंट। उसकी कितनी बड़ी नोज होती है, आप सबने भी देखा होगा और मैंने भी देखा होगा। एफ फॉर फ्लावर। फ्लावर तो हम सबने देखा होगा, मैंने भी और आपने भी। जी फॉर ग्रेप्स। ग्रेप्स आप सबने भी खाया होगा, मैंने भी खाया होगा। एच फॉर हॉर्स। हॉर्स को तो आप सबने देखा ही होगा, मैंने भी देखा है। आई फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम तो आप सबने खाया होगा, वो कितना ठंडा और स्वीट होता है, मैंने भी खाया होगा। जे फॉर जूस। जूस तो आप सबने भी पिया होगा, मैंने भी पिया है, कितना अच्छा लगता है। के फॉर केटल। केटल तो आप सबने देखा होगा, मैंने भी देखा है। एल फॉर लॉयन। लॉयन तो बहुत खतरनाक है और वो हमारे देश का राष्ट्रीय एनिमल है। ओके, सो डियर, आपने देखा ए से एल तक की जर्नी हुई है, और ए किसको इंडिकेट कर रहा है, एप्पल को। बी किसको इंडिकेट कर रहा है, बॉल को। सी कार को, और डी डॉग को इंडिकेट कर रहा है। सो ओके एंजल, प्लीज कम आइए, और अब मुझे बताइए कि ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है,
ए फॉर और क्या क्या होता है? एलिगेटर. एलिगेटर ओके. और एंट. एंट होती है ओके. बी फॉर बॉल. आप सभी ने खेला है. आपने बॉल कौन से कलर की बॉल पसंद है आपको? ग्रीन. ग्रीन ओके. चलिए आपने भी जरूर खेला होगा और नहीं खेला है और खेलते भी हैं तो क्लास खत्म होने के बाद अपने घर में बॉल जरूर ढूंढना और खेलना ओके. सी फॉर कार. कार के अलावा और क्या हो सकता है सी से? कैट. कैट. और बी से क्या हो सकता है? बैट. बैट ओके. सो कार में तो मजा आता है ना. ठीक है, जब ओपन कार होती है तो और भी अच्छा लगता है ओके. डी फॉर डॉग. डॉग के अलावा और क्या हो सकता है एंजल? डैग. ओ यस वेरी गुड. सो ई फॉर एलिफेंट. देखा है एलिफेंट कितना छोटा होता है ना? छोटा नहीं, बहुत बड़ा होता है. बहुत बड़ा होता है ओके. एफ फॉर फ्लावर. अच्छा ये बताओ ई फॉर एलिफेंट के अलावा और क्या हो सकता है? और एग. एग ओके. एग हेल्दी होता है हमारे लिए ओके. एफ फॉर फ्लावर. फ्लावर के अलावा और क्या हो सकता है? फिश. फिश ओके. जी फॉर ग्रेप्स. खाया? हाँ. अंगूर कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं या मीठे होते हैं? जल्दी बताओ, अपने आप से पूछो, ग्रेप्स खट्टे होते हैं या मीठे होते? चलो एंजल तुम बताओ, खट्टे होते हैं या मीठे होते हैं? दोनों. लेकिन दोनों होते हैं, ज्यादा होते हैं. दोनों होते हैं ओके. एच फॉर हॉर्स. ठीक है, अब इसकी हिंदी मीनिंग हम लोग जानते हैं डियर. ठीक है, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि एफ फॉर फ्लावर. फ्लावर को एफ फॉर और दूसरा क्या हो सकता है? फ्लावर के बगैर वर्ड में. लाउडर लाउडर. फ्लावर के बगैर फैट हो सकता है ओके. फैन हो सकता है. फैन हो सकता है. ग्रैप्स. जी फॉर ग्रैप्स. और एफ से फनी भी हो सकता है. एफ से फनी भी हो सकता है. वेरी गुड. और जी से और क्या हो सकता है ग्रैप्स के अलावा? बताइए, आप सोचिए क्या हो सकता है. जी फॉर गोट. गोट बकरी हो सकती है. जी फॉर गन भी हो सकता है ओके. एच फॉर हॉर्स. हॉर्स मतलब ठीक है. एच फॉर हाँ डेफिनेटली. सो एच से और क्या हो सकता है? हैट. हैट हो सकता है. यस जरूर पहना होगा. ओके, मैंने भी पहना है. गुड. आई फॉर आइसक्रीम. किस किस ने आइसक्रीम खाया है? किसने खाया? अच्छा तुमने खाया है. ठीक है वेरी गुड. आई से और क्या हो सकता है एंजल? सोचिए सोचिए, आई से और क्या हो सकता है? सोचिए. इंक पॉट. जी हाँ, आई से इंक पॉट हो सकता है. इंक भी हो सकता है. यस. जे फॉर जूस. जे फॉर और क्या हो सकता है बताइए? जैकेट. जैकेट यस. और के फॉर कैटल. के फॉर और क्या हो सकता है? काइट. ओके काइट. और एल फॉर लायन. सो एल फॉर और क्या हो सकता है एंजल? लैप. लैप हो सकता है. और एक लैपटॉप. एक लैपटॉप हो सकता है. ओके डियर, चलिए अब ए से एल तक तो हो गया. चलो एंजल आपको इसकी हिंदी मीनिंग बतानी है. ए फॉर एप्पल. एप्पल मतलब क्या होता है? सेब. ओके. बी फॉर बॉल. बॉल. बॉल मतलब क्या होता है? गेंद. ओके. सी फॉर कार. अब कार तो कार की हिंदी मीनिंग क्या होगी? गाड़ी. नहीं नहीं, कार ही होगी. ओके. डी फॉर डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. कुत्ता हाँ ठीक है. ई फॉर एलिफेंट. एलिफेंट मीन्स हाथी. हाथी. एफ फॉर फ्लावर. फ्लावर मीन्स फूल. ओके. जी फॉर ग्रेप्स. ग्रेप्स मीन्स अंगूर. ओके. एच फॉर हॉर्स. हॉर्स मीन्स घोड़ा. आई फॉर आइसक्रीम. अब बताओ आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम. आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम. ओके. जे फॉर जूस. जूस मीन्स जूस. ओके. के फॉर केटल. केतली. केटल मीन्स केतली. एंड एल फॉर लायन. नाम लेते ही डर लगता है. तो लायन मीन्स शेर. सो फ्रेंड्स, आज के लिए ये वीडियो बस इतना ही. आई होप कि आपको
ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने खूब एंजॉय किया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट मोर एंड मोर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट द फर्दर वीडियोज, ओके, एज सून एज पॉसिबल। अपना सपोर्ट जरूर दीजिए ताकि हम दोबारा फिर वीडियो इस पर बना सकें। सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो डियर, टिल देन थैंक यू एंड जय हिंद। ओके।